हेलो स्टूडेंट, आप मोहम्मद साकिब आसमी, ज्योबायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मैं और मेरे दोस्त चंद्रेश चौरसिया, हम दोनों ने साथ में एक कोचिंग से पढ़ाना शुरू किया था। और क्योंकि उस टाइम मैं पढ़ भी रहा था, वो भी पढ़ रहा था, और शाम में हम लोग कोचिंग पढ़ाने के बाद क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे, और रात मैं अपने घर से निकलता था, रास्ते में उसका घर था और हम लोग ग्राउंड की तरफ चले जाते थे। तो एक दिन मैं ऐसे ही घर से निकला, मैंने उसके घर पे जाके उसको आवाज़ दी, अभी वो घर से बाहर नहीं आया था, अचानक मेरी नज़र उसके पापा के ऊपर पड़ी, तो मैंने देखा कि उनके चेहरा पूरा एकदम स्वेल कर गया था। मैंने कुछ समझ में नहीं, मैंने पूछा चाचा क्या हो गया चेहरे पे? अब चाचा तो गुस्से में थे उस टाइम, उन्होंने मुझको घूरना शुरू कर दिया और मैं कुछ बोला नहीं, मैं धीरे से दूसरी तरफ खड़ा हो गया। उसके बाद मेरा दोस्त बाहर आया घर के और हम लोग ग्राउंड की तरफ जाने लगे, तो मैंने उससे पूछा कि क्या हो गया आपके पापा को, तो उसने बताना शुरू किया कि एक्चुअली उनके पापा का जो बाल था ना, पहले से बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए थे, अब इसीलिए वो गए अपने बालों को हेयर कलर करवाने के लिए गए, और जब कलर लगवा के अचानक से उनके पूरे चेहरे पे स्वेलिंग होने लगी, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एक दो इंजेक्शन लगाया, बट पहले से सही हो गया। और धीरे धीरे मैंने जब पता किया तो दो तीन दिन और लगा, टाइम शायद लगा, पूरी तरीके से वो सही हो गए। असल में उसको उनको क्या था ना, उनको एलर्जी थी, उनको क्या था, उनको एलर्जी थी हेयर कलर में, जो हेयर कलर में जो केमिकल्स थे उनसे उनको एलर्जी थी और उनको पता नहीं था, लगा लिया तो उनको परेशान हो गए। तो कभी कभी ऐसा होता है, चेहरे पे स्वेलिंग हो जाती है, स्किन कलर रेड हो जाता है ना, फोड़े और फुंसियाँ निकल जाते हैं, आपको इचिंग होने लगती है किसी बॉडी पार्ट में, या फिर स्नीजिंग होने लगती है, जैसे डस्ट पार्टिकल होता है। सुबह में झाड़ू लगाने के लिए आप उठते हो सुबह में, घर पे अगर आप लोग झाड़ू लगाते होंगे या फिर बाहर घर के बाहर अगर आप लोग झाड़ू लगाते होंगे, तो सुबह में क्या होता है ना, सुबह में नींद खुली, डस्ट थोड़ा सा भी डस्ट के से एक्सपोज हुआ, स्नीजिंग स्टार्ट हो गई। तो ये नॉर्मल कंडीशन है, एलर्जी बहुत सारे लोगों को होती है, ऑलमोस्ट 70-80% लोगों को ये वाली एलर्जी होती है जो डस्ट वाली, थोड़ा सा डस्ट पार्टिकल नोज में क्या अचानक से स्नीजिंग होनी स्टार्ट हो गई। तो देखो ये तो माइल्ड होता है, कभी कभी माइल्ड होते हैं कि स्नीजिंग हो गई, इचिंग हो गई, लेकिन कभी कभी इतने स्ट्रांग होते हैं कि इंसान की डेथ भी हो जाती है एलर्जी की वजह से। अब जैसे बात करेंगे अभी इसके बारे में कि एलर्जी क्या है और कैसे होती है, लेकिन ये याद रखें कि एलर्जी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर किसी को इसके बारे में समझना चाहिए। देखो अब एलर्जी क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि एलर्जी क्या है। देखो एलर्जी क्या है कि हमारी बॉडी का ओवर रिस्पॉन्स, सॉरी हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम पाया जा रहा है उसी इम्यून सिस्टम का ये ओवर रिस्पॉन्स है। इम्यून सिस्टम नॉर्मल फंक्शन करता है, कोई बॉडी के अंदर एंटीजन आ गया तो इम्यून सिस्टम का काम आपको पता ही है, हमने ऑलरेडी 18-19 लेक्चर कवर कर चुके हैं हम लोग। तो इम्यून सिस्टम का काम क्या है कि बॉडी के अंदर आए हुए किसी भी एंटीजन को इरेडिकेट करना, उनको किल करना, उनको उनके लिए एंटीबॉडी को बनाना और उनको बाहर निकाल देना या खत्म कर देना, उनको किल कर देना। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, एक नॉर्मल सा एंटीजन आता है जिससे हमारी बॉडी को खतरा भी नहीं होता, या फिर कुछ नहीं करेगा, थोड़ा बहुत नुकसान करेगा, उसके बाद वो चला जाएगा और कुछ नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कि आया, बॉडी के अंदर आया और खत्म हो गया। अब जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर आया, हमारी बॉडी ने ओवर रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया, नॉर्मल रिस्पॉन्स कर सकती थी हमारी बॉडी, उसको कुछ पता भी नहीं चलता हमारी बॉडी को, वो हमारा इम्यून सिस्टम नॉर्मल रिस्पॉन्स करके उसको किल कर सकता है, लेकिन हमारी बॉडी ओवर रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया, ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत खतरनाक वायरस आ गया, ठीक है ना, वैसे रिस्पॉन्स करना ये शुरू कर देती है। अब तो ये समझ लें कि ओवर रिस्पॉन्स होता है ना, इम्यून सिस्टम के ओवर रिस्पॉन्स को, एक्साइटेड रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं। अब देखो एलर्जी के टाइम पे क्या होता है, जैसे ये एंटीजन हमारी बॉडी के कॉन्टैक्ट में आता है तो हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स की जो की ब्लड वेसल्स की जो इनर लाइनिंग होती है वहाँ पे आपकी मास सेल्स पाई जाती हैं। ये मास सेल्स क्या प्रोड्यूस करती है, दो केमिकल, बड़े इंपॉर्टेंट केमिकल सिक्रीट करती है, प्रोड्यूस करती है, जिनका नाम, एक का नाम हिस्टामिन है और एक है सीरोटोनिन। तो ये आपकी बुक में भी दिया है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये दो केमिकल सिक्रीट करती है कौन, मास सेल। और इसके अलावा एक चीज का, और कौन से एंजाइम, कौन से प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है या फिर कौन से एंटीबॉडी का लेवल बढ़ जाता है, आईजीई एंटीबॉडी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे होता है ना कि अगर किसी को एलर्जी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलर्जी है, तो वो डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं कि आप जाके कहीं पे किसी जगह पे अच्छे पैथोलॉजी पे जाके, आप सेंटर पे जाके आप अपने ब्लड को टेस्ट करवाइए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि एलर्जी है कि नहीं है। फिर वो ब्लड सैंपल लेता है और उसमें काउंट करता है IgE के लेवल को। अब IgE का लेवल और इसिनोफिल्स का लेवल बढ़ा हुआ है,
स्नोफिल्स का लेवल बढ़ा हुआ है। तो उसने आपकी रिपोर्ट देखी और उसने देखा कि उसमें आईजी का इसका लेवल बढ़ा हुआ था, इन दोनों का लेवल बढ़ा, उसने तुरंत समझ लिया कि आपको इसको एलर्जी है। उसने कहा कि आपको इचिंग होती है, आपको स्नीजिंग होती है। हाँ, तो इस वो जो पेशेंट था उसने तुरंत बताया कि हाँ ऐसा होता है हमारे साथ, हम जैसे सो के उठते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होती है। तो वो कह देगा कि आपको एलर्जी है, डॉक्टर जो है वो बता देगा कि आपको एलर्जी है। तो वो नॉर्मल सी कंडीशन वो आसानी से डॉक्टर डिटेक्ट कर लेता है अगर आईजीई और इसनोफिल्स का लेवल बढ़ा हुआ है। देखो अब होता क्या है ना कि जो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल चीज़ें होती हैं, जैसे एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल जो चीज़ें होती हैं या फिर सब्सटेंस होते हैं, हम उनको एलर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलर्जन। ओके, तो एलर्जन क्या क्या हो सकते हैं? एलर्जन कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा मेरे फ्रेंड के फादर को जो उन हेयर कलर में जो केमिकल पाए जाते थे तो उससे उनको एलर्जी थी, वो एलर्जन हो गए। मुझे अगर कुछ मेडिसिन से एलर्जी है तो उसको मैं एलर्जन कह सकता हूँ। कुछ लोगों को फ्रूट से जो खाने वाली चीज़ें होती है उनसे एलर्जी होती है, कुछ लोगों को डिफरेंट वाटर से एलर्जी होती है, कुछ ऐसे बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी होती है, एक दो चीज़ें नहीं है, ठीक है ना। तो डिफरेंट पर्सन पे डिपेंड करता है, उनकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि उसको किस टाइप की एलर्जी होगी। कुछ इवन कि कुछ लोगों को सनलाइट अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई तो उसकी भी एलर्जी है, उनकी स्किन कलर रेड हो जाती है। ओके, तो अब थोड़ा सा देखते हैं कि, लेकिन ये याद रखें कि ये डेडली भी हो सकते हैं। कौन? एलर्जी आपकी डेडली भी हो सकती है। कुछ एलर्जन होते हैं जैसे आपके अमेरिका में पीनट से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है और लोगों की डेथ हो जाती है, पता नहीं होता कि पीनट उसमें मिला हुआ है फूड में, खाने वाली चीज़ में, और मूंगफली मिली हुई है और उसने खा लिया और क्या हो गई, उसकी डेथ हो गई। तो इसीलिए क्या होता है ना कि ये डेडली भी हो सकती है। इसके बारे में मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए और आपको भी पता होना चाहिए कि अचानक अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर ऐसे में करना क्या चाहिए। होता क्या है ना कि जैसे वो चीज़ हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन आता है डेड वाले, जब ये डेडली होता है या फिर सीवियर कंडीशन में क्या होता है, जब हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी में हिस्टामिन, सीरोटोनिन, आईजी, ये सब चीज़ें अचानक इनका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अचानक इनका लेवल बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जब इनका लेवल बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है कि जो थ्रोट होता है वहाँ पे स्वेलिंग होती है और सफोकेशन स्टार्ट हो जाती है, और कुछ ही सेकंडों में सफोकेशन की वजह से उस इंसान की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। कुछ ही सेकंड लगता है, इंसान की डेथ हो जाती है। तो इसीलिए, और अगर आप तुरंत ट्रीटमेंट चाहते हैं तो ट्रीटमेंट के बारे में भी आपके एनसीईआरटी ने यहाँ पे किया हुआ है, लिखा हुआ है कि अगर आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं किसी एलर्जी का तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं। हिस्टामिन के अगेंस्ट एंटी हिस्टामिन आप इस्तेमाल कर लें, एंटी हिस्टामिन का इंजेक्शन आप दे दें, एपिनेफ्रिन को आप शॉट दे सकते हैं, एपिनेफ्रिन को आप शॉट दे सकते हैं, स्टेरॉइड का आप इंजेक्शन दे सकते हैं या शॉट दे सकते हैं, स्टेरॉइड अगर इनका आप इंजेक्शन दे देते हैं तो काफ़ी हद तक इनको कंट्रोल कर। अचानक किसी को एलर्जी हो गई, किसी ने कुछ खा लिया, अचानक एलर्जी हो गई, तो अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर सबसे पहले इनके बारे में ही रिकमेंड करेगा कि आप इसी चीज़ या तो एंटी हिस्टामिन या तो एपिनेफ्रिन या फिर स्टेरॉइड का वो इंजेक्शन लगा देता है, जिससे काफ़ी हद तक आराम हो जाता है। मेरे फ्रेंड के फादर को जब एलर्जी हुई थी तो स्टेरॉइड का इंजेक्शन उनको दिया गया था, जिससे उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर दिया गया। अब देखो एलर्जी का रीज़न क्या है, एलर्जी किस चीज़ की वजह से होती है उसको भी समझ लेते। देखो लेस एक्सपोजर, जितना कम इन्वायरमेंट के साथ एक्सपोजर होगा आपका उतना ज़्यादा चांस होगा आपको एलर्जी होने का। देखो गांव में रहने वाला जो एक किसान होता है वो कितना भी आंधी चले, लू चले, है ना, जो लेकिन उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ती है ना तो भी एक दो कपड़े ऊपर डाले रहता है, आराम से वो रहता है और बीमार उमार होता नहीं है। लेकिन शहरों में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा लोगों को एलर्जी होती है, इवन सनलाइट से एलर्जी होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगी उसमें भी कुछ लोगों को ठंड से भी एलर्जी होती है। पता नहीं कौन कौन सी एलर्जी होती है, मुझे तो उतना ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, एक डॉक्टर को ज़्यादा जानकारी होती होगी क्योंकि उनके पास ज़्यादा केसेस आते होंगे, और मुझे बस आपको एनसीईआरटी पढ़ाना है इसीलिए। ये तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, आप छोटे बच्चों को उनको उनके एनवायरमेंटल एक्सपोजर को ज़्यादा कम ना करें, आप उनके एनवायरमेंटल एक्सपोजर को मेंटेन रखें, ताकि ये भी ना करें कि कहीं भी कूद खेल रहा है ज़मीन में, घूम फिर वो दिन भर ज़मीन में गिरा पड़ा रहता है, तो ऐसा भी ना करें। कम से कम उसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं,
तो आप उसको जाने दे, खेलने खेलने भी दिया करें, वो दौड़ रहा है धूप में जा रहा है जाने दे, लेकिन आप बचाएं कम से कम थोड़ा बहुत। और भी चीज़ें होती है गंदगी, गंदी जगहों पे जाने से आप उनको रोकेंगे तो धीरे धीरे उनके अंदर क्या होता है ना, उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और किसी भी एलर्जी जो एंटीजन जो जिनके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग रिस्पॉन्स करता है वो एक नॉर्मल रिस्पॉन्स करेंगे। तो लेस एक्सपोजर की वजह से जो बच्चों के अंदर बड़ों के अंदर भी ये एलर्जी देखी जाती है धीरे धीरे, कभी कभी एलर्जी ना अस्थमा में बदल जाती है, लोगों को अस्थमा हो जाता है ना। खैर तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया, अगर कोई और कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें, मैं उनको एक बार फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सारी चीज़ें तो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, बट ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, आप फीडबैक भी दिया करें। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कहा कि सर आप सिर्फ चाक से क्यों लिखते हैं, क्योंकि मुझे चाक से लिखना पसंद है इसलिए मैं चाक से लिखता हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा देखें और कमेंट ज़रूर करें। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, थैंक यू सो मच।